hello students today we are going to discuss the term guardian in muslim law what is meant by guardianship which is known as, known as hizanat guardian means the term is defined in guardians and wards act as a person having the care of a person of a minor or his property और बोथ ऑफ हिस पर्सन एंड हिस प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी माइनर की खुद की केयर करता हो या उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता हो या दोनों ही की केयर करता हो ऐसे व्यक्ति को गार्जियन कहता है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट एंड नो डाउट द इंडिविजुअल हु हैज़ बाय लॉ द राइट एंड ड्यूटी ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अ बॉय और अ गर्ल इन मैरिज मे बी सेट टू हैव फॉर द लिमिटेड पर्पज़ द केयर ऑफ हिज और हर पर्सन तो ऐसा व्यक्ति मान लीजिए किसी के ऊपर शादी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी लड़के या लड़की माइनर की तो जो ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी एक लिमिटेड एक्सटेंड तक गार्जियनशिप uh, के अंदर फॉल करती है बट देर इज नो मैंशन ऑफ़ डिस्पोजल एंड मैरिज इन एनी पार्ट ऑफ एक्ट लेकिन ये मैरिज का डिस्पोजल के बारे में किसी uh, भी हिस्से में एक्ट के किसी भी हिस्से में मैंशन नहीं है एंड नथिंग टू इंडिकेट दैट इट वॉज इंटेंडेड टू इंटरफियर विद द रूल्स ऑफ द मोहम्मद इन लॉ विच अंस दैट फंक्शन और ना ही ये ऐसा इंटरफियर करने के लिए किया गया है अंडर द नेम ऑफ जबर इट रिलेट्स टू रिलेटिव हु आर नाट नेली दो एंड टाइटल टू द जनरल केयर एंड कस्टडी हिजानत ऑफ द वर्ड्स पर्सन दैट इज दिस इज डिस्क्राइब बाइबल सन जबर नाम के अंतर्गत इट रिलेट्स टू रिलेटिव तो ये रिलेटिवस को रिलेट करता है दोज हुआ आर नाट नेसेसरली वो रिलेटिव एंटाइटल्ड जनरली इन जनरल सेंस एंटाइटल्ड नहीं है केयर करने के लिए एंड कस्टडी करने के लिए किसी भी वार्ड पर्सन की यानि माइनर की

तो अगर प्यूबर्टी की बात करें या मेजॉरिटी की बात करें तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में अमंग द सुन्नीज़ एंड शियाज प्यूबर्टी इज़ प्रज्यूम टू हैव बीन ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द फिफ्टी ईयर तो शिया और सुन्नी दोनों में ही पंद्रह साल के बा के ख़त्म होने पर प्यूबर्टी अचीव हो जाती है बट नाउ मुस्लिम्स आर गवर्न बाय द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 लेकिन अब इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के द्वारा मुस्लिम्स गवर्न होते हैं एक्सेप्ट इन द मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज डिवोर्स एंड डोवर केवल मैरिज डिवोर्स और डोवर के मामलों को छोड़ करके द एग्जिटिंग पोजिशन रिगार्डिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी इन सच केसेज इज गिवेन बिलो फिफ्टीन ईयर्स इज द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज डोवर एंड डिवोर्स ही और शी इज़ फ्री टू डू एनी थिंग इन दिस फिर ऑफ मैरिज डोवर एंड तो मुस्लिम लॉ में ये पंद्रह साल की उम्र में फ्री हो जाते हैं बच्चे मैरिज डोवर और डिवोर्स के लिए वाइल एज वाइल एज रिलेट्स टू मेजॉरिटी इन जनरल द एज इज एटीन ईयर्स एज यू नो एज रिगार्ड्स अदर मैटर्स ऑफ गार्जियनशिप ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी अ मुस्लिम विल बी गवर्न बाय द मेजॉरिटी एक्ट और जो बाकी के मामले होंगे उसमें अठारह साल की जो उम्र है जो मेजोरिटी एक्ट एटीन सेवेंटी फाइव कहता है उसके हिसाब से ही गवर्न होते हैं मुस्लिम लॉ भी दस इन केसेस ऑफ विल वक्फ एक्सेट्रा माइनॉरिटी विल टर्मिनेट ऑन द कम्पलिशन ऑफ एटीन ईयर्स तो वक्फ़ की बात हो विल की बात हो तो अट्ठारह साल का एज फैक्टर बार करता है मुस्लिम लॉ में ट्वेंटी वन ईयर्स इज़ द एज ऑफ मजारिटी द माइनर इज अंडर दर्ट ऑफ वार्ड्स तो अगर वार्ड या गार्जियन के अंडर में है तो ट्वेंटी वन ईयर्स में मेजॉरिटी अटेंड करता है इन मोहम्मदीन लॉ द टर्म मेजॉरिटी इज अप्लाइड टू द पीरियड ऑफ लाइफ वेयर ऑफ मेल्स और फीमेल्स विच प्रोसीड द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी एंड पर्सन हु हैव नॉट अटेन प्यूबर्टी आर कॉल्ड माइनर्स तो मुस्लिम लॉ में वो जो समय अंतराल होता है लाइफ का जिसमें मेल फीमेल प्यूबर्टी अटेंड जब तक नहीं करते हैं तब तक वो माइनर होते हैं The law presumes an infant as dole in capax, that is, one who cannot exercise his discretion and is not capable of reasoning. The law infant vota hai ki, wo hota hai, jo ki apna discretion up nivuddi apply kar saktay tic or reason out ni and the term is dole in capax. So this was a short lecture regarding guardianship and uh, its various concepts which is uh, guardianship is also known as zanat so i hope this lecture is of help to you keep learning stay blessed bye bye for now